Hello students I am your statistics teacher Navdeep and our today's topic is correlation in this video I will explain you the meaning of correlation and types of correlation and degree of correlation so let's start firstly you should know what do you mean by correlation कोरिलेशन देखो क्या होता है वर्ड में ही लिखा हुआ है इसका मीनिंग कोरिलेशन मींस मीन्स रिलेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ठीक है तो अभी आपने पीछे जितने भी चैप्टर्स किए जैसे अर्थेमेटिक मीन वाला चैप्टर आपने किया या कोई और आपने चैप्टर किए मीडियन मॉड वाले उसमें आपको एक स्टेटिस्टिकल सीरीज़ दी होती थी आपको एक्स दिया होता था ना एक्स की वैल्यूज नीचे डेटा दिया होता था वो स्टेटिस्टिकल सीरीज़ होती थी आपको पिछले चैप्टर्स में सिर्फ एक एक स्टेटिस्टिकल सीरीज़ दी होती थी सिर्फ एक्स की वैल्यू दी होती थी एक्स वेरिएबल की फिर उसके आगे फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी है तो अभी इस चैप्टर में आपको कम से कम दो स्टेटिस्टिकल सीरीज़ दी जाएंगी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दी जाएंगी एक्स की तो होगी ही होगी साथ में आपको वाई की भी दी जाएगी तो कोरिलेशन क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटिस्टिकल सीरीज़ के बीच में रिलेशन फ़ाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है तो वो टेक्निक जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा स्टेटिस्टिकल सीरीज में रिलेशन फाइंड आउट किया जाएगा उसे कोरिलेशन बोला जाएगा ठीक है तो कोरिलेशन क्या हुआ जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटिस्टिकल सीरीज के बीच में कोरिलेशन कोरलेशन सॉरी रिलेशन फाइंड किया जाएगा और जिस टेक्निक के थ्रू वो रिलेशन फाइंड किया जाएगा उस टेक्निक को कोरिलेशन बोला जाता है ठीक है अब को फाइंड करने के थ्री मेथड्स होते हैं एक होता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड इसको ग्राफिकली किया जाता है और एक होता है कार्ल पियर्सन कोफिशियट मेथड एक होता है स्पीयरमैंस रैंक कॉरिलेशन मेथड आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल जो फॉर्मूलाज या मेथड्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कॉरिलेशन कितने टाइप का होता है और क्या डिग्रीज होती हैं कोरिलेशन की ओके okay? अभी मैंने यहाँ पर आपको बोला मीनिंग में कि दो या दो से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बीच में रिलेशन फ़ाइंड किया जाता है पर वो जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटिस्टिकल सीरीज़ हैं वो मीनिंगफुल कंक्लूज़न अगर उनसे निकल रहा है तब हम बोलेंगे वो कॉ रिलेटिड हैं अगर उनसे कोई मीनिंगफुल कंक्लूज़न नहीं निकल रहा तब हम ये नहीं बोल सकते कि वो कॉ रिलेटिड है मतलब उनमें आपस में कोई रिलेशन है उनमें कोई कॉ है ये कैसे आपको जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ अगर आपको बोला जाए कि सेंचुरी से जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वग़ैरह होती है ना वहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स डिपार्चर हुए मतलब वहाँ से बहुत सारे माइग्रेट होके बर्ड्स वगैरह आए हैं तो जिसकी वजह से एक सीरीज़ तो आपको ये कह रही है बर्ड्स की इंफॉमेशन दे रही है दूसरी सीरीज़ आपको बोल रही है कि जो वेडिंग सेरेमनीज़ है ना कंट्री में वो कम हो रही हैं एक आपको जो वाई सीरीज़ है वो बता रही है वेडिंग सेरेमनीज़ कम हो रही हैं उसका डेटा दे रही है एक आपको एक्सेसरीज़ बर्ड्स का डेटा दे रही है तो बर्ड्स और वेडिंग सेरेमनीज़ का तो आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं है ना तो हम बोलेंगे कि ये मीनिंगस कंक्लूज़न दे रही है इनमें कोरिलेशन नहीं है दूसरी तरफ अगर आपको बोला जाए कि प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक सीरीज़ में आपको प्राइजेस दिए गए हैं और वो इंक्रीज़ हो रहे हैं उनके इंक्रीज़ होने की वजह से सेकेंड जो सीरीज़ है वाई उसमें क्या हो रही डिमांड कम हो रही है जब चीज़ों के रेट महंगे हो जाएंगे चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उनकी डिमांड कम हो जाती है ना तो वही चीज़ है कि जब एक्स सीरीज़ में जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वाली में हमें दिखाई दे रहा है उसकी वजह से डिमांड क्या हो रही है कम हो रही है तो यहाँ पे दोनों से कंक्लूज़न निकल रहा है मीनिंगफुल एक दूसरे से रिलेटेड है तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोरिलेशन है ठीक है अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन में एक होता है पॉजिटिव कॉरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कॉरिलेशन जब अब यहाँ पे कॉरिलेशन वाले चैप्टर में आपको कम से कम दो वेरिएबल्स तो दिए ही दिए जाएंगे मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ अगर वो दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब हम बोलेंगे दोनों में पॉजिटिव कॉरिलेशन है सेम डायरेक्शन में कैसे टेबल के थ्रू देखो यहाँ पे टेबल जो दिया हुआ है यहाँ आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं ए वाला जो पार्ट है इसमें क्या हो रहा है जो एक्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है जो वाई है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा पॉजिटिव बी वाला जो है इसमें देखो जो एक्स है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है जो वाई है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है बेशक डिक्रीज़ हो रहे हैं पर है तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में ना ऐसा तो नहीं है कि एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है या दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं तो जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन देन नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा नेगेटिव का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलें जब वेरिएबल जैसे नीचे टेबल में देखो जो एक्स है वो इंक्रीज हो रहा है जो वाई है वो डिक्रीज हो रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले तो जब ऐसा होता है तब हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है ठीक है और ऐसा भी अगर यहाँ पर होता कि एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती और वाई की इंक्रीज हो रही होती तो वो भी हम कहते दोनों में नेगेटिव कॉ है ठीक है एक होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कॉरिशन लीनियर कॉरिलेशन हम बोलते हैं जब कोई वेरिएबल या जब दोनों जो सीरीज़ है ना वो सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रही हैं तब हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन है ठीक है सेम प्रपोर्शन में चेंज होने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर आपको देखो आ, दो सीरीज़ दे रखी हैं ए एंड बी अब जो ए है उसमें हर बार कितने कितने का प्रोपोर्शन है डिफरेंस है टू टू का और नीचे जो बी सीरीज़ है इसमें हर बार कितने का है फाइव फाइव का तो ए सीरीज़ भी सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रही है हर बार और बी सीरीज़ भी सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रही है तो जब दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे होते हैं ना या फिक्स प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे होते हैं तब हम बोलते हैं उनमें लीनियर कोरिलेशन होता है ठीक है और जब सेम प्रपोर्शन में कोई वेरिएबल चेंज होते हैं ना तो अब जब हम उसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्ट्रेट लाइन बनती है कोई कर्व नहीं बनती बना के देख लेना चाहिए देन नॉन लीनियर कोरिलेशन नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है लीनियर से अपोजिट लीनियर में क्या था सेम प्रपोर्शन से चेंज हो रहे थे दोनों वेरिएबल लेकिन नॉन लीनियर में सेम से चेंज नहीं होंगे जैसे यहाँ पर देखो ऊपर जो ए वेरिएबल है वो हर बार टू टू से चेंज हो रहा है लेकिन जो नीचे बी वेरिएबल है वो कभी फ़ोर से चेंज हो रहा है कभी फाइव से कभी सिक्स से कभी सेवन से कभी टेन से फिर दोबारा टेंथ से तो ऊपर और नीचे प्रोपोर्शन सेम नहीं ना रहा जैसे ऊपर सेम रहा अगर ऐसे ही नीचे भी सेम रहता फिर हम बोलते हैं लीनियर है पर ऊपर तो सेम रहा लेकिन नीचे सेम नहीं रहा तो इसलिए इसको लीनियर नहीं बोल सकते इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर कॉरिलेशन ओके देन सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है जब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स में देख रहे हैं कि रिलेशन है या नहीं है तो उसको बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन पर जब हम दो से ज़्यादा सीरीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल को जैसे हम सिर्फ अगर प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन देख रहे हैं वो दो चीज़ें ही हैं तो वो होगा सिंपल को पर अगर हम देख रहे हैं कि जैसे रेनफॉल है उसका या अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन ठीक है तो जो फार्मिंग एरियाज़ में प्रोडक्शन होता है प्रोडक्टिविटी होती है उसके ऊपर उसको हम देख रहे हैं एक सीरीज़ में हमें प्रोडक्शन दे रखा है और हमें फिर एक सीरीज़ में रेनफॉल भी दे रखा है एक सीरीज़ में हमें एच वाई वी एच वाई वी सीड्स की क्वांटिटी दे रखी है एक में हमें वीट दे रखा है एक में हमें मेन्यू और दे रखे है एक में हमें वाटर दे रखा है इतनी सारी सीरीज़ दे रखी हैं सभी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो ये होगा मल्टीपल कोरिलेशन ठीक है और एक आपको यहाँ साइड में दे रखा है पार्शियल कोरिलेशन पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है कि जब आपको स्टेटिस्टिकल सीरीज तो दी हुई हैं तीन चार या मोर देन टू पर आप सिर्फ मान के ये चल रहे हो कि आपने दो ही सीरीज़ के बीच में रिलेशन निकालना है सिर्फ ये दो ही सीरीज़ चेंज हो रही है बाकियों को जब आप कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन पर अभी आपके सिलेबस में ना तो पार्शियल कोरिलेशन है ना ही मल्टीपल है सिर्फ सिंपल वाला है दो सीरीज के बीच में आपने निकालना होता है दिस इज़ ऑल टाइप्स ऑफ़ कोरिलेशन नाउ वी विल स्टडी डिग्री ऑफ कॉरिलेशन डिग्रीज देखो क्या होती हैं एक तो होता है परफेक्ट कॉरिलेशन परफेक्ट कॉरिलेशन क्या होता है लीनियर आप समझ चुके हो ना लीनियर में क्या होता था कि सेम प्रपोर्शन में दोनों वेरिएबल्स चेंज होते थे तो एक तो ये होना चाहिए इसमें परफेक्ट वाले में दूसरी चीज़ जब हम परफेक्ट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तब दोनों वेरिएबल ये तो दोनों में ही रहेगा परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव दोनों में ये वाली चीज़ तो कॉमन रहेगी कि दोनों वेरिएबल सेम प्रपोर्शन में चेंज होने चाहिए ठीक है परफेक्ट पॉजिटिव में क्या हो जाएगा एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ होना चाहिए एक वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ होना चाहिए मतलब सेम डायरेक्शन रहनी चाहिए पर परफेक्ट नेगेटिव में क्या होता है प्रोपोर्शन सेम ही हो बेशक प्रोपोर्शन तो सेम ही रहना चाहिए चेंज होने का पर एक वेरिएबल अगर एक वेरिएबल अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में चलने चाहिए ठीक है देन अब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन जब मान लो कि दो सीरीज हैं उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है तब हम बोलेंगे कि अबसेंस ऑफ कोरिलेशन है ठीक है परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन जब होगा ना तब आप जब फॉर्मुलाज वगैरह लगा के कोरिलेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा प्लस वन जब आपको आंसर मिलेगा माइनस वन उसका मतलब है वहाँ पे कोरिलेशन है नेगेटिव परफेक्ट एंड जब आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा इसका मतलब है वहाँ पे कोरिलेशन है ही नहीं है उसके बाद है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन अब देखो या प्लस वन कब होगा माइनस वन कब होगा जीरो कब होगा ये आपको पता लग गया जब माइनस वन से वन के बीच में जो वैल्यूज रहेंगी तब क्या डिग्री होगी कोरिलेशन की अब हम वो करते हैं ठीक है जो कॉरिलेशन है वो माइनस वन से प्लस वन तक रहता है माइनस वन प्लस वन कब होगा वो बता दिया अब जीरो से बड़ा हो सकता है और वन से छोटा वो हो सकता है कभी भी वन से ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होगा अगर आपका कोरिलेशन वन से ज़्यादा आ रहा है मतलब आपका आंसर रोंग है देखो जब दो सीरीज़ में आपने कोरिलेशन निकाला फॉर्मूलाज होते हैं उसके वो आपको बताए जाएंगे और आपकी वैल्यू आंसर की आर से डिनोट करते हैं कोरिलेशन को 0.75 से 1 के बीच में आ रही है तब उसको बोलेंगे हाईली कोरिलेटेड। अगर 0.25 से 0.75 के बीच में आ रही है तो उसको बोलेंगे मॉडरेटली कोरिलेटेड अगर जीरो से ज़ीरो के बीच में आ रही है तो उसको बोलेंगे लो कोरिलेटेड अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो उसको साथ में नेगेटिवली वर्ड यूज कर देना कि नेगेटिवली हाईली कोरिलेटिड अगर प्लस में आ रहा है तो ऐसे लिख देना पॉजिटिवली हाईली कोरिलेटेड पॉजिटिवली मॉडरेटरी कोरिलेटिड इस तरीके से जैसे आपको नीचे दिया हुआ है ठीक है सो दिस इज फॉर टुडे थैंक यू कीप रिवाइजिंग